अगली खबर में बात करते हैं जबलपुर की, जहां गुढ़ाई चौक में रहने वाली एक विधवा महिला ने पड़ोसियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला का पानी निकासी को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ था, जिसके कारण उसके साथ मारपीट भी की गई थी। इस घटना के बाद आत्मग्लानि के चलते महिला ने जहर खा लिया। गंभीर अवस्था में महिला को इलाज के लिए परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे 30 में शव रखकर जाम लगा दिया। आक्रोशित परिजन महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंची गोसलपुर पुलिस और उच्च अधिकारियों के निष्पक्ष कार्यवाही के आश्वासन के बाद परिजन महिला का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए। जानकारी के मुताबिक गुढ़ाई चौक निवासी बबली बर्बन का पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से घर के पास पानी की निकासी को लेकर विवाद हो गया। विवाद के चलते उन्हीं लोगों ने महिला से जमकर मारपीट कर दी। मारपीट में महिला को चोटें आईं। घटना के बाद आत्मग्लानि के चलते महिला ने अपने घर पर जहर खा लिया। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए जबलपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव जैसे ही गांव पहुंचा तो आक्रोशित ग्रामीण और घर के परिजनों ने शव नेशनल हाईवे 30 पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों की मांग है कि महिला के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले आरोपितों को पुलिस तुरंत गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो। हंगामे की जानकारी लगते ही गोसलपुर थाने का पुलिस बल और SDOP सीहोर भावना मरावी मौके पर पहुंची। परिजन पर आक्रोशित लोगों ने आश्वस्त किया कि महिला के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी, जिसके बाद परिजन और लोगों का गुस्सा शांत हुआ। इसके बाद महिला का अंतिम संस्कार हो सका।